आप देख रहे हैं C20 न्यूज। चलिए देखते हैं फिरोजाबाद जिले की खास खबरें। तहरीक ए तहफुज ए सुन्नियत रुकनपुर शुकुहाबाद के सदर मोहम्मद सलीम कादरी के तत्वाधान में बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। सलीम कादरी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक धर्मगुरु द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के लिए वह माफ़ी मांगने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अहमदनगर के रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। उक्त व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। हम तहरीक ए तहफुज ए सुन्नियत रुकनपुर शुकुहाबाद का कहना है कि इस तरह के बयान मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान अपने पैगंबर का मामूली अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह चौंकाने वाली बात है कि उक्त व्यक्ति अपने निंदनीय व्यवहार पर अड़े है, जो यह दर्शाता है कि उसने एक संगठित योजना के तहत देश की एकता और संप्रभुता को चुनौती दी है। हमारी मांग है कि सरकार और कानून के रखवालों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मामलों को रोकें और देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद नासिर, इलियास, मोनी, जीशान, इमरान, शाही, इमाम, बलीउद्दीन, हाफिज साहिब, हसीन भाई, इमाम शाहब, सलमान रजा, अदनाम रजा, अब्दुल कुद्दूस, रहीउद्दीन वारसी, एडवोकेट नफीस अहमद के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। तो देखते रहिए C20। आज किस बात को लेकर आप ज्ञापन? तहरीक तहफुज सुन्नियत की जानिब से ADM साहब के पास हम लोग जो है अपनी तरफ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो रामगिरी महाराज ने जो हुजूर की शान में तोहिन की है, हम लोगों का मुतालबा ये है कि उनके खिलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। हम तमाम हिंदुस्तानी यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और ऐसे ही रहना चाहते हैं। इस तरीके के लोग जो है पेशवाओं की शान में तोहिन कर कर भड़काऊ भाषण देकर माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। हम सबकी कोशिश ये है कि ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे किसी की ऐसी हिम्मत न हो जो किसी भी मज़हब के पेशवा या मजहबी किताब के बारे में कोई तोहनी अल्फाज इस्तेमाल करें। बस हम सब लोग इसीलिए यहाँ पर DM साहब के पास आएगी ज्ञापन देना।